नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कल रात 9:09 पे एक दीपोत्सव के कार्यक्रम के रूप में कल का दिन मनाया गया था, जबकि यह कहा गया था कि दीप दिखाकर हमें हमारी एक शक्ति का प्रदर्शन करना है कि हम जो कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस इस देश में छाया हुआ है, उससे लड़ने के लिए सभी लोग मॉरल सपोर्ट के रूप में, दीप के रूप में अपना सिग्नल्स देंगे। और लोगों ने वह किया भी, कई लोगों ने, लेकिन देखे गए कि लोगों ने इस संदेश का कुछ गलत भी ढंग से इसका उपयोग किया। कई जगह लोग मशाल ले जाते हुए दिखे, तो कई जगह लोग फटाके फोड़ते हुए दिखे, जबकि यह उत्सव का समय नहीं था। यह संवेदनाओं का समय है, यह एकता का समय है, यह उन लोगों के लिए समय है जो इससे लगातार लड़ रहे हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देने का समय था। कई बार मोदी जी संदेश कुछ और देते हैं और कई लोग इन संदेश का पालन नहीं करते, वहाँ तक ठीक है, लेकिन बोली हुई बातों का गलत ढंग से पालन करना भी कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देखेंगे इसके पूरे समाचार विस्तार से। देखते आज की हेडलाइंस। ये थी हमारी आज की हेडलाइंस, और एक लेते छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पूरे समाचार आएंगे विस्तार के साथ में। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोग अमरावती। नागपुर में कोरोना से पहली मौत, विदर्भ में तीसरी। विदर्भ में तीनों की संक्रमण की पुष्टि मौत के बाद हुई। 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत रविवार को हुई थी, जिसके कोरोना संक्रमण की पुष्टि आज हुई। मृतक का निवास स्थान सतरंजीपुरा के आसपास के एरिया को पुलिस ने किया सील। नागपुर में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर हुई 18। साथ ही बुलढाणा की बड़ी खबर, कोरोना के और 2 संक्रमित पाए गए, बढ़कर संख्या हुई 11। विदर्भ में कोरोना संक्रमित की लगातार वृद्धि। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विदर्भ में कोरोना संक्रमित की टोटल संख्या हुई 35। आइए डालते सबसे पहले अमरावती के आंकड़ों की और नज़र, कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़े और अमरावती की कोरोना वायरस से संबंधित खबर। अमरावती में अब तक जो लोगों को, जिनकी जांच की गई है, ये जांच मनपा आरोग्य विभाग के तरफ से टोटली हो रही है, ऐसे 3778 लोग। एक बाकी जांच जो घर घर जाके है वो अलग है, और ये जिनका स्कैनिंग हुआ है ऐसे लोगों की जांच के हम आंकड़े बता रहे हैं। बाकी लोगों के जांच के आंकड़े बहुत ज़्यादा जो अलग आपको हम बताएंगे। ये स्कैनिंग द्वारा जो जिनकी जांच हुई, ऐसे 3778 लोग हैं, इन सभी को होम क्वारंटाइन के आदेश दिए गए। साथ ही अब तक जितने लोगों के थ्रोट सैंप लिए गए, ऐसे 226 लोग, आज 18 लोग इसमें बढ़ गए, कल इससे 18 कम थे, आज टोटल 18 लोगों का और सैंप लिया। ऐसे 226 लोगों के थ्रोट सैंप लेके नागपुर चेकिंग के लिए भेजा गया, जिसमें से जो रिजल्ट आया 3 दिन से वहीं तक आंकड़ा अटका हुआ है। 93 के ही रिजल्ट निगेटिव हमारे पास में आए हैं, और 11 लोगों के रिजेक्ट हो गए, और आज भी कल के 103 और आज के 18, ऐसे मिला के 121 लोगों के सैंपल के रिजल्ट नागपुर से आना बाकी है। चूँकि 2 तारीख को जो अमरावती में मौत हो गई थी कोरोना से संक्रमित, उसका रिपोर्ट जो आई थी 4 तारीख को आई थी, 4 तारीख के बाद ही पूरे अमरावती शहर में इस चीज़ को लेकर चर्चा हुई थी कि यह रोग कितना फैलेगा। उसके लिए कई जगह के स्वैप ले, क्योंकि 3 दिन में 4 दिन में स्वैप की संख्या काफ़ी हो गई है, और वहाँ पर भी नागपुर में भी शायद लैब में प्रेशर होने के कारण रिपोर्ट जल्दी नहीं आ रही, क्योंकि रिपोर्ट
आने की राह सभी को देख रहे कि 4 तारीख के बाद जितने सैंपल लिए गए, जहाँ जहाँ संबंधितों के सैंपल लिए गए, उसके रिपोर्ट की आशा में सारा अमरावती शहर है। लेकिन नागपुर से रिपोर्ट न आने के कारण अभी भी आंकड़ा वहीं पे अटका हुआ है और नागपुर से जो थ्रोट के सैंपल के रिजल्ट आने बाकी, ऐसे 121 संभावना की जा रही है कि इनके संबंधितों की रिट में शायद कुछ पॉजिटिव आ भी सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, अभी भी ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। चूँकि हमने जब देखा कि अमरावती शहर में जब दोपहर का दौरा लगाते हैं तो दोपहर में कई जगह पूरा एरिया शांत रहता है, लेकिन सुबह के जब 8 से 12 तक छूट दी गई है, उस समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते। कई जगह सिर्फ ठीक है, दुकानदार है, दूध की डेयरी है, मेडिकल यहाँ पर होता है, लेकिन भाजी बाजार की बात कीजिए तो आज कॉटन मार्केट पूरी तरह से होलसेल बाज़ार बंद था, कल भी बंद रहेगा। लेकिन जहां बाकी जगह सब्जियां बेची जाती, बाकी जगह लोग चलते हैं, बाकी जगह ग्रुप बना के खड़े रहते हैं, कई जगह ग्रुप बना के खड़े रह जाते हैं। ऑटो में बंदी होने के बावजूद आज भी ऑटो में पुलिस के सामने से 3-3, 4-4 लोग उसमें बैठ कर जाते हैं। चूँकि ठीक है, किसी को हो सकता है इमरजेंसी, उसके लिए ऑटो की ज़रूरत, लेकिन ऑटो को मुझे लगता है कि पूरी तरह पाबंदी की, उसके बावजूद चौक पे से पुलिस के सामने ऑटो में सवारी भरकर जाती है। पता नहीं सवारी कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, लेकिन शहर में ऑटो दौड़ते हुए देखे गए। वही कई जगह रात में जब लोग हम घूमते हैं तो 3-3 लोग एक एक स्कूटर पर जाकर बैठते हो, कई जगह से हम लोगों ने उनको बताया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी गलियों में से होके निकलते। तो लोगों से निवेदन है कि पुलिस या कार्रवाई होने के लिए करने के लिए मजबूर ना करें, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि यह रोग अमरावती में अभी भी कहां से आया, कैसे आया, इसकी अभी चिंतन चालू है। जब तक इसका पता नहीं लगता कि जो मृतक व्यक्ति था उसको कहां से कोरोना है, जब तक हम लोगों को सावधानियां बहुत बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना। इसलिए बार बार आपसे एक ही चीज़ की विनंती की जा रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कई जगह इसका पालन नहीं किया जा रहा। कल भी जब हमने देखा कि दीपोत्सव चालू था तो कई जगह लोग झुंड में भी बाहर निकले और कई जगह लोग फटाके फोड़ते हुए भी नजर आए, जबकि यह कहा गया था कि घर की गैलरी से, बालकनी से, घर में से ही दिया टॉर्च, मोबाइल टॉर्च कोई भी जला, लेकिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया, कई जगह ग्रुप में दिए जलाए और कई जगह तो फटाके फोड़ते भी नजर आए। लोग यह कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी सब तरफ से मांग आ रही है कि लोगों को सिर्फ दिया जलाने के लिए कहा था लेकिन लोगों ने फटाके भी फोड़े, कई जगह अमरावती में भी फटाके फोड़ते हुए नजर आए। आइए देखते हैं कल के दीपोत्सव की झांकियां। कई जगह लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से दिए सजा के रखे थे, कई जगह पूरी लोगों ने पूरी अपनी बस्ती में लाइन की लाइन लगा दी थी, तो कई लोगों के घरों में भी दिए लाइन से जैसे दिवाली के दिए जलते हैं। जब हमने पूरे शहर का नज़ारा देखा तो कई आपको हम दिखाएंगे, इसमें ड्रोन से भी शूटिंग्स ली गई है, जो वैभव दलाल ने हमें भेजी है वो भी आपको हम शूटिंग दिखाएंगे कि ऊपर से पूरा अमरावती शहर कैसा दिखता है। कई जगह हमने साथ में चलते हुए क्रेन से भी शूटिंग ली है, तो कई मोहल्लों में जा जाके बहुत अच्छी तरह दिए सजाए हुए थे, ऐसे रो की रो बनाई हुई थी पूरी, वह भी हम आपको दिखाएंगे पूरी। पर कई जगह लोगों ने शांति से अपने घर की गच्ची पे रहकर भी दिए जलाए, तो एक कविता भी दिए को लेकर कविता मालपाणी ने हमें भेजी है, वह भी हम आपको इस झांकियों के साथ में दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि वह संदेश उनका लोगों तक पहुंचे और लोगों ने जो संदेश देना चाहा कि हम घर में रहकर भी एक सरीके लोग हम एक साथ में दिए जलाते। तो जैसे कई बार पहले जब प्रेम के किस्सों में सुना जाता था तो प्रेमी प्रेमिका से कहता था कि मैं मेरी गच्ची पे खड़े रह के चांद देखूंगा, तुम तुम्हारी गच्ची पे खड़े रह के चांद देखना, इस बहाने हम दोनों मिल जाएंगे। तो यही शायद दिए के पीछे भाव रहा होगा कि जब हम घर में आज अकेले हैं तो एक दूसरे से कैसे मिले कि तुम्हारा भी दिया जल रहा है, मेरा भी दिया जल रहा है, दिए के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते रहे, भावनात्मक रूप से मिलते रहे। हमें शारीरिक और सामाजिक दूरियां बना के रखनी, भावनात्मक रूप से आज भी पूरे भारतीय लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं। आइए देखते पूरे अमरावती शहर के दियों की झांकियां।
दीपोत्सव का उत्सव जहाँ पर उत्सव के रूप में ही मनाया गया, ग्रामीण विभाग में भी लोगों ने दीप जलाकर जो लोग इस कार्य में हैं उसको मॉरल सपोर्ट किया, साथ ही पूरे देश में भी पूरी जगह दीप जला जला कर लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया। पंतप्रधान यांनी जसे ठरवले होते की रात्री त्यांना आपण फक्त रात्री 9 मिनिटं द्यायचे होते, तर आमचे गाव पाटोडा सुपेश्वर येथील सगळ्या लहान मुलांचे सगळ्या लोकांनी याला सहकार्य केलं आहे। आणि जे पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की 9 मिनिटं आपल्याला द्यावे असे याला सगळ्या नागरिकांनी पाठिंबा दिला आहे। कोरोनाच्या या लढाईमध्ये आज हमारे यहाँ के सांसद नवनीत राणा का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जन सेवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और घर से निकल पड़े सभी ग्रामीण अस्पताल और पुलिस स्टेशन में वहाँ के उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने और उनको आवश्यक सामान की पूर्ति करने। ऐसे उन्होंने अंजनगांव, दरियापुर और परतवाड़ा में सभी जिला अस्पताल और पुलिस स्टेशन में भेंट दी, लेकिन उसके बाद का कार्यक्रम 144 धारा और बाकी असुविधाओं के चलते परतवाड़ा में ही स्थगित कर दिया गया। देखते हैं कहाँ कहाँ आज नवनीत राणा ने घूम कर लोगों से संपर्क किया। नहीं आणि जे नवीन आपले राशन कार्ड झाले होते ते ऑनलाइन झाले का पूर्ण? नाही झाले, कंप्लेंट आले आम्हाला खूप लोकांचे आले ना फोन त्यांची ऑनलाईन नाही झाले तर त्यांना धान्य भेटत नाही ऑनलाईन नाही झाला म्हणजे काय म्हणतात काय गरम ना चांगलं आहे मी वृद्धाश्रमामध्ये आहे आणि वलगावच्या वृद्धाश्रमामध्ये गाडगे बाबाच्या वृद्धाश्रमामध्ये उभी आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंग एवढी चांगली नाही मेंटेन केलेली सगळे वृद्धांनी एक या झाडाखाली बसले आहे तर एक या झाडाखाली म्हणजे जेवढे डिस्टन्स पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त डिस्टन्सनी सगळे वृद्ध बसलेले आहे। तर मला वाटते सगळे यंग लोकांनी हे सुद्धा फॉलो केलं पाहिजे, जे अपेक्षित आहे यंग लोकांकडे सोशल मीडियामध्ये करताना असंच डिस्टन्सिंग आपण पाळली पाहिजे। अपने सबकी जान बहुत प्यारी है, आपके पीछे आपके लिए बहुत सारे जन प्यार करने वाली है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तुम्ही कुठे जात नसतात काय भाई? नाही नाही आम्ही इथेच राहतात, छान असंच बांधून शेती करून राहायची। रिकॉर्डिंग कोणाने केले? मी केले। पण असं नाही हे सगळे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आपण पूर्ण वलगावच्या आश्रममध्ये आलेले आहे आणि त्यांच्यासोबत जेही त्यांना मदत करायची होती पण एक उद्देश याच्या मागे आहे की जर हे वृद्धाश्रममध्ये राहणारे सगळे वृद्ध जर एक इथे बसले किती बसले तिथे बसले वेगळे वेगळे ठिकाणी आणि खूप लांब डिस्टन्स ठेवून त्यांनी मेंटेन केला तर युवकांकडनं सुद्धा ही विनंती आहे त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये हा केअरलेस ना करताना हा सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करावे, कारण तुमचे मागे तुम्हाला तुमच्या जीवनाची काळजी घेणारे बरेचसे लोक आहे। म्हणून
तुम्ही सर्वांनी तुमच्या जीवनाची काळजी घेतली पाहिजे आणि आम्ही या लॉकडाऊन या पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने आपण चालून राहिलो तर आम्ही सोमवारी आपण असंच पद्धतीने चालवलं पाहिजे. सांसद नवनीत राणाने आज सभी स्वास्थ्य अस्पताल में जाकर सभी अस्पतालों में जाकर वहाँ का निरीक्षण किया और वहाँ की समस्या देखी और लोगों को सुरक्षित रहने का आह्वान किया. साथ ही स्वास्थ्यकर्मी को कहा कि आने वाले रोगियों का ध्यान रखा जाए, उनको जो भी कमी होगी वह पूर्ति करने का आश्वासन उन्होंने दिया. अमरावती जिले का अनाज व किराना की लाइफलाइन कहा जाने वाला होलसेल बाज़ार शक्करसात, आज सुबह शक्करसात के व्यापारियों ने जब दुकानें खोली तो उसके साथ ही मनपा और पुलिस वालों ने वह दुकानें बंद करने के निर्देश कहा और यह घोषणा की कि यदि बंद नहीं किए तो 188 धारा के अंतर्गत उन पर केस कर दी जाएगी. तुरंत में आनन फानन में सभी ने दुकानें अपनी बंद कर दी क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई आदेश नहीं था. उन्होंने कहा कि RDC से बैठक हुई तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जबकि शक्करसात एरिया जो था वह बफर जोन घोषित हो गया था. तत्पश्चात 4 बजे आयुक्त के कार्यालय में बात पहुंची तो सभी पदाधिकारी के साथ में दोनों पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एवं साथ में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े भी उपस्थित थे. आज सुबह अमरावती शक्करसात व्यापारी के साथ में दुकानें बंद करने को लेकर हुई झंझट के चलते आज दोपहर 4 बजे मनपा आयुक्त के कक्ष में एक व्यापारी संगठन के साथ में मीटिंग ली गई, जिसके अंतर्गत शक्करसात यह बफर जोन के अंतर्गत आता है और साथ ही अमरावती का होलसेल किराना बाज़ार भी है. मनपा आयुक्त और व्यापारी संगठन के बीच यह तय हुआ कि शक्करसात की सिर्फ होलसेल की दुकानें 8 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेगी, बाकी सभी प्रकार की होल रिटेल एवं सेमी रिटेल दुकानें बंद रहेगी और शक्करसात का भाग ट्रैफिक के लिए वन वे कर दिया गया ताकि बहुत ज़्यादा वहां पे गर्दी ना हो. बता दें कि शक्करसात से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हाथीपुरा में 2 तारीख को मुमताज की मौत हो गई थी और 4 तारीख को वह कोरोना से संक्रमित होने की रिपोर्ट आई. उसके चलते आसपास का पूरा एरिया 500 मीटर का पूरा बफर जोन में आ जाता है. बाकी सभी रिटेल एवं सेमी रिटेल दुकानों को 14 तारीख तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया. संस्था के अध्यक्ष गोविंद सुमाणी से हमने बात की. आज महानगर पालिका आयुक्त के साथ में एक महत्वपूर्ण सभा हुई जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि शक्करसात एरिया जो है, जो भी बम्फर जोन में आया है, उसके अंदर जो प्योरली होलसेल दुकानें हैं, जो सिर्फ प्योर होलसेल में काम करते हैं, वही दुकानें चालू रहेंगी. सेमी होलसेल और रिटेल दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. शक्करसात में वन वे किया गया है, जो भी लोडिंग ऑटो है, रिक्शा है, वो वन वे की ओर से होते हुए बाहर निकलेंगे ताकि मार्केट के अंदर गर्दी नहीं होगी और एक शांति का वातावरण बना रहेगा. इस बैठक में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के साथ नागपुर गेट खोलापुरी गेट के पुलिस निरीक्षक एवं संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे. इतवारा बाजार खुलने को लेकर जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक संबंधितों की रिपोर्ट नहीं आ जाती, यानी जो 2 तारीख को जिसकी मौत हो गई थी मुमताज की, हाथीपुरा निवासी, 4 तारीख को सुबह उसकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद में उसके तमाम संबंधित लोग 24-10 डॉक्टर्स और 15 अलग अन्य लोग, ऐसे टोटल 50 लोगों के आसपास उनके स्वैब लिए गए. जब तक उनकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इतवारा बाज़ार बंद रहेगा, ऐसी घोषणा जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने की है. कोरोना वायरस का जहाँ प्रादुर्भाव बढ़ रहा है वहीं पर अब लोगों ने अपने मोहल्लों में भी खुद को पूरे बैरिगेट्स लगा के अपने अंदर उनको सुरक्षित कर लिया. अब ऐसा लगता है कि हर जगह मोहल्ला कमेटी की ज़रूरत है. मोहल्ला कमेटी ही अपने आप को सुरक्षित रख सकती है. प्रशासन से कई लोगों ने हमारे माध्यम से यह सूचना देनी चाहिए कि मोहल्ला कमेटी का निर्माण कर अपने अपने मोहल्ला, अपनी अपनी कॉलोनी और अपने अपने एरिया को सुरक्षित रखने का प्रयास उनके ऊपर छोड़ा जाए, क्योंकि कई जगह से आज भी मोहल्ले से लोग बाहर निकलते हैं और पूरे शहर का दौरा
घूमते रहते कि कौन कहाँ कर रहा है ऐसे देखने के लिए। ज़रूरतमंद लोग निकलते, ऐसे चक्कर में होता है कि जब ज़रूरतमंद आदमी निकलता है तो उसको पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं और फिर फटके के लिए आदमी गली में से बाहर निकल जाता। इसलिए यदि मोहल्ला कमेटी का निर्माण किया जाए और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी जाए कि ना आपके एरिया से कोई बिना जरूरत के बाहर जाए, ना आपके एरिया में किसी को घुसने दिया जाए, तो निश्चित रूप से कोरोना के ऊपर काबू पाने के लिए एक कारगर उपाय होगा। प्रशासन से निवेदन है इस माध्यम से कि लोगों ने जो हम तक सूचना पहुंचाई है उस सूचना को यदि कार्यान्वित किया जाए, मोहल्ला कमेटी का निर्माण किया जाए और उस पर जिम्मेदारी डाली जाए, तो निश्चित रूप से प्रशासन का बहुत बोझा हल्का होगा। जो हर जगह प्रशासन को यंत्रणा भेजनी पड़ती है, पुलिस फोर्स भेजना पड़ता है, कई जगह स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं तो वहाँ पर लोग उनको सहयोग नहीं करते, ऐसे में यदि मोहल्ला कमेटी का निर्माण होता है और वहाँ के समाजसेवी संस्था, राजनीतिक पार्टियाँ सब अलग रखी जाए, वहाँ के समाजसेवी संस्थाएँ और वहाँ के समाजसेवी लोग, उनको यदि यह अधिकार दिया जाए तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें सहयोग मिलेगा और इस महामारी पर बहुत हद तक हम काबू पा सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते किसी को भी प्राथमिक चीज़ों की जरूरत की कमी महसूस ना पड़े तो तमाम समाज सेवक के साथ के नगर सेवक भी इस चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही अंबागेट के अंदर एकवीरा प्रभाग में पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने गरीबी को अन्य धान्य सब्जी आदि का आज वाटअप किया, तो उसी खोलापुरी गेट पावर हाउस के पास में संजय अतकरे द्वारा भी आवश्यक सामग्री लोगों को वहाँ पर वितरित की गई। तो इसी बीच में हमारे यहाँ की एक छोटी बच्ची, समाज सेवक तो काम करते ही है, उसके अलावा कई समाजसेवी संस्थाएं काम करती है, सरकार काम करती है, प्रशासन काम करता है, पुलिस विभाग काम कर रहा है, कई बैंक कर्मी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी ऐसा समूह में लोग है वहाँ पर कलेक्शन करके पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक KG1 की 5 साल की बच्ची ने 2 साल से अपने छोटा जो बैंक घर में होता है पीगी बैंक जिसको कहते हैं, उसको फोड़कर आज जिलाधिकारी कार्यालय में 3,000 रुपये की अपनी पूरी गुल्लक की, 2 साल 3 साल जब से भी उसको समझ आएंगे, उसको किसी ने 1 रुपया दिया होगा, 2 रुपया दिया होगा, 3 रुपया दिया होगा, उसको बर्थडे पे पैसा मिला होगा, कहीं चॉकलेट का पैसा मिला होगा, जो उसने चॉकलेट नहीं खरीदी उस गुल्लक में डाली, आज उस गुल्लक से 3,000 रुपये जमा कर रुधिरा जितेंद्र दख ने इन्होंने जिलाधिकारी को 3,000 रुपये की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राशि प्रदान की है। आइए डालते हैं विदर्भ के आंकड़ों के तरफ, कोरोना वायरस के आंकड़े। विदर्भ के आज के आंकड़े में कहीं कोई बढ़त नहीं दिखी, सभी तरफ रिपोर्ट थोड़ी प्रलंबित बाकी है, रिपोर्ट आनी बाकी है। नागपुर के भी आंकड़े 17 ही बता रहे हैं, वहाँ की भी रिपोर्ट प्रलंबित है। उसी तरह बुल्ढाना में भी उतने ही आंकड़े पे सीमित है, 9 लोग वहाँ पे अभी तक संक्रमित पाए गए, वहाँ की भी रिपोर्ट अभी तक प्रलंबित है, कहीं तो भी थोड़ा सा रिपोर्ट प्रलंबित होने में समय लग रहा है। वाशिम में भी एक ही है और अमरावती की भी रिपोर्ट जैसे बताया कि प्रलंबित है। अमरावती में 1 टोटल कोरोना से मरीज प्राप्त हुआ था जिसकी मौत हो गई थी और पूरे विदर्भ में कल के अनुसार आज भी 32 पर ही स्थिर है, क्योंकि विदर्भ की बहुत जगह की अभी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं यदि हम महाराष्ट्र पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में आंकड़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ती हुई, पूरे भारत में महाराष्ट्र का नंबर ऊपर है, 781 लोग संक्रमित पाए गए और 45 लोगों की अब तक महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। यदि शहर वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो आता है मुंबई से, मुंबई में टोटल 469 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं पुणा 119 लोग, थाने में 82, यानी मुंबई को यदि थाने से मिला लिया जाए
तो 82 और 80 70 करीब 550 के ऊपर यह आंकड़ा जा रहा है सिर्फ मुंबई और थाना मिला के, और पूना में 119 लोग। तीन ही शहरों में कोरोना वायरस ने कहर ढा रखा है। हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई आज पूरी तरह से बंद है। महाराष्ट्र के साथ में यदि पूरे भारत पर नजर डालें तो भारत में अब 4375 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। यदि 22 तारीख की बात करें, जिस दिन हम 22 तारीख को लॉकडाउन किया था, तो उस समय महाराष्ट्र में पूरे भारत में आंकड़ा था 403 लोगों का, मात्र 403 लोगों का आंकड़ा था, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिन का सांकेतिक लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। आज 10 गुना से ज़्यादा मात्र 15 दिन में यह आंकड़ा बढ़ गया। यही लगातार स्पीड चलती रही तो हमें बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है। चूंकि अमरावती में आज सिर्फ एक ही मरीज हमें मिला, लेकिन हमें निश्चिंत नहीं होना है। हाँ, डरना नहीं है, क्योंकि सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम यानी आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं, जनता भी प्रयास कर रही है, हर तरह से सरकार के निर्देश मान रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डरना जरूरी है। यदि हम लापरवाह हो गए तो यह रोग कहाँ हमें ले जाएगा कह नहीं सकते। इसलिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। पूरे भारत में जहाँ 4375 लोग हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, तो तमिलनाडु पे 571, दिल्ली भी 503, तेलंगाना में 334, केरला में 314, उत्तर प्रदेश में 278, राजस्थान में तेजी से बढ़ते 274 की ओर, आंध्र प्रदेश में 266, और ऐसे पूरे भारत की अलग 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 पूरी लिस्ट है। पूरे भारत में यदि मौत की संख्या देखी जाए तो 122 लोगों की अब तक इसमें से मौत हो गई, और 4375 में से 329 लोगों का इलाज करके उन्हें सुधार दिया गया है, उन्हें घर भेज दिया है। एक बहुत अच्छी बात है कि लोग इसमें सुधर भी रहे हैं। इसलिए लोगों ने खुद होकर यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सरकारी यंत्रणा के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी सक्षम है। यदि 329 लोग भी हमने सुधार के भेजे, करीब 8% के आसपास इसमें सुधार होता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति सुधर सकता है। इसी आशा के साथ में यदि आपको कुछ हुआ तो आप सरकार को सूचित करें। यदि कोई आपके आसपास आपको दिखता है कि या आपको शक होता है कि इसको कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो आप सरकार को सूचित करें। बाहर से यदि कोई आया हुआ व्यक्ति आसपास आपको दिखता है कि ये बाहर से आया हुआ, इधर का नहीं है, उसके बारे में भी आप सरकार को सूचित करें। कोई भी किसी भी प्रकार का संशयित व्यक्ति आपको नज़र आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को उसकी सूचना दें, ताकि आप उसकी पीड़ा से बचे रहे। आइए डालते हैं पूरे विश्व की तरफ नज़र। कोरोना वायरस से संक्रमित की यदि पूरे विश्व की तरफ नज़र डाली जाए तो 12,86,294 अभी तक जो रिजल्ट रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से 12,86,294 टोटल लोग संक्रमित हो गए। उसमें अभी तक मौत हो गई 70,446 लोगों की, वहीं 271,882 लोगों को सुधार कर घर पे भेज दिया गया। 20% के आसपास वैश्विक आंकड़ा सुधार का, भारत में 8% तक का आंकड़ा सुधार का मिला। भारत में भी यदि 20-25% तक का आंकड़ा आ जाए तो निश्चित रूप से लोगों में भी एक हिम्मत का संचार होगा, उसमें निर्माण होगा। बड़े बड़े आंकड़े यदि देखे जाए बड़े बड़े देशों की ओर, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा 3,36,851 लोग संक्रमित पाए गए, तो स्पेन में 1,35,032 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं अमेरिका में अब तक 9,620 लोग कोरोना से मर चुके हैं, तो स्पेन में 13,055 लोग इससे मृत पाए गए। वहीं इटली में 1,28,948 लोग इससे संक्रमित है, तो वहाँ की मौत की संख्या है 15,887। इटली में जरूर थोड़ा जो मौत का प्रमाण था उसकी संख्या थोड़ी थमती हुई नज़र आ रही है। वहीं स्पेन की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, अमेरिका की संख्या भी बढ़ रही है। जर्मनी 1,132 मौत की संख्या 1,584, फ्रांस में 92,839 संक्रमित है, तो 8,078 की मौत की संख्या वहाँ की भी आ रही है। वहीं चाइना 81,708, 20-30 मरीज
अप्रोच के वहाँ पाए जा रहे हैं और एक दो लोगों की वहाँ पर मौत दर्ज हो रही है। तो बहुत हद तक लगता है चाइना ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी नए मरीज 30-40 रोज मिल रहे हैं। इसका मतलब पूरी तरह से चाइना में भी कंट्रोल नहीं है। ईरान में 60,500 मौत हुई, 3,739। यूके में 47,807 लोग हैं, वहाँ पे मौत की संख्या 15,034। स्पेन में, इटली में और यूके में परसेंटेज प्रतिशत वाइज देखा जाए तो मौत की संख्या बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसी पूरे विश्व में कोई देश ऐसा छूटा नहीं है कोरोना संक्रमण से। पूरे के पूरे करीब 185 कंट्रियों में कोरोना फैला हुआ है। ये थे हमारे आज के समाचार। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे पुनः निवेदन कि आप सुरक्षित रहे, घर में रहे। आपको ये हमारा समाचार बुलेटिन कैसे लगा आप हमें लिख भेजिए। और साथ ही आपको यदि हमारा समाचार बुलेटिन नहीं मिल रहा तो यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इस हमारे व्हाट्सएप पे भी आप नंबर भेजकर आप खबरें प्राप्त कर सकते हैं। इसके और भी साधन, जो भी सोशल मीडिया के आपके पास में साधन होंगे, सभी पर हमारा चैनल उपलब्ध है। बस आप जो नंबर आ रहा है उस पर हमें सूचित कीजिए। आप तक न्यूज़ पहुंचाने का जिम्मा हमारा। आज के लिए बस इतना ही। देखते आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां एक बार फिर से। ये थी आज की हमारी मुख्य समाचारों की सुर्खियां। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ में। और सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महावीर का संदेश, खुद जियो औरों को भी जीने दो, खुद सुरक्षित रहो औरों को भी सुरक्षित रहो, खुद लोगों से दूरियां बना के रखो, लोगों से भी खुद की दूरियां बना के रखो। बस यही मंत्र है हमें अभी सुरक्षित रहने का, इस महामारी से बचने का। इस मंत्र का पालन करें, खुद जियो औरों को भी जीने दो, खुद सुरक्षित रहो औरों को भी सुरक्षित करो। नमस्कार। पापा अभी कैसे नमाज खड़ी आन पड़ी है, नहीं गलियारों में मौत खड़ी है। पापा डर लगता है उस दुष्ट की आहट से, देखा है मैंने टीवी पर रोते नन्ही परियों को, गए थे परी के पापा भक्ति करने लेकिन दुष्ट ने उन्हें लौटने ही नहीं दिया। ना जाओ पापा घर के बाहर, कहीं दुष्ट आपको छू ना ले। देश प्रदेश की राजा की बात नहीं मानते आप, लेकिन अपने बेटे की तो बात मान लो पापा। नहीं खोना चाहती अपने पापा को, प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना पापा आपकी बात, घर से बाहर ना जाओ।